नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। আনন্দ লাগছে, রবীন্দ্রনাথ জেলা পরিষদ। কেমন কাজ করছে কাজ? এই তো এখন দেখছি তো ভালোই কাজ। কেমন লাগছে কম্বলটা নিয়ে? কে দিয়েছে? কেমন কাজ করছে? তোমার কম্বল দরকার? ঠান্ডা তো লাগবে। ঠান্ডা লাগে? কম্বল নিবে? তুমি পেনশন পাও না? এই এত পরিবারে কে আছে? খবর দিবে আমার সাংসদ মহোদয়ের কাছ থেকে সাইকেল দিয়ে দিতাম। আমাদের সাংসদ আছেন, ওনার কাছ থেকে সাইকেলটা দিয়া করাবো, পেনশনটা দেবে। আচার সংহিতা লেগে যাবো, দু মাস তো আর কিছু হবে না। এমনি পরিস্থিতি আছে, এত এত আমরা কাজ করছি, আপনারা দেখা দিবেন তবে না? কিছু বুঝতে পারবে? কতদিন হইলো? এক বছর হয়ে গেল। পেনশন পাইছে? পেনশন পান না? কোনো বিকলাঙ্গ না, বৃদ্ধা পেনশন না? চাল চাল পাইছেন? চাল পাইছেন? বাথরুম হয়েছে? ঘর বনে না? বিকলাঙ্গ সার্টিফিকেট তো বেনা করান, বুঝলেন? আর তারপরে কোন ছিলাকে পাঠাবেন আমি বলি দিছি দাদাকে, আমার সাথে দেখা করবে, আমি পেনশনটা করাই দেবো, ঠিক আছে? না না, প্রথমে তুমি শিখো, আর শিখে পড়ো, তারপরে একবার আমার সাথে দেখা করো। যখন শিখবে সেখানে সার্টিফিকেট নিবে, তবে না শিখলে সার্টিফিকেট। জেলা পরিষদ ক্ষেত্র আমার জন্য রাজ্য সরকারের যে যোজনা ভারী বাড়ি আয়োজন করা হয়েছে। এই গ্রামে অনেক আছে, সেগুলাকে করে গ্রামের মানুষরা নেই। এখন আজকে 12টা কম্বল দেওয়া হলো, আবার বিশেষ পরিস্থিতি দেখে পরের দিন যতগুলো বাকি আছে এনারা গ্রামের সমস্ত লোক বসে আবার তারা দিব। যাদের পরিস্থিতি অনেক খারাপ আছে, সরকার থেকে কম্বল এসছে, সেই গরিব মানুষকে যারা কম্বলের যোগ্য আছেন তাদেরকে আমরা কম্বল দিলাম। ঠিক সময়ে ওনাদের কম্বলের দরকার, যখন কম্বলকে ব্যবহার সেই সময়ে ওনারা করতে পারেন। সেই জন্য हर गांव में हर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं रहेगा। इस बार हम लोग लालगढ़ का नाम मिटाएंगे और निरसा विधानसभा से भगवा का झंडा लहराएंगे। निरसा विधानसभा जो कहा जा रही है बहुत हॉट सीट है और सब लोगों की निगाह इस पर टिकी हुई है, क्या लगता है आपको उम्मीदवारी को लेकर? आप भी उम्मीदवार हो सकते हो? ये तो आला कमान तय करेगा कि उम्मीदवारी किसे करना है, किसे उम्मीदवार बनाना है। जो निरसा विधानसभा हमारा जीत करके भाजपा का झोली में सीट दे, और इस बार किसी तरह का कोई रफ और टप नहीं है। इस बार निरसा से भगवा का झंडा लहरेगा और भाजपा जीतेगा। हर हाल में तय है भाजपा जितना ही जीतना। भाजपा के बारे में कहा जा रहा है कि आप बहुत गुरुबाजी है, उसके बारे में क्या कहोगे?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग सोच रहे हैं कि ग्रुपबाजी है ये गलत बात है। सारे लोग एक मंच पे रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। हम लोगों का बस एक ही मकसद है कि निरसा से किसी तरह से भाजपा का सीट आए। अभी जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो आपका जो प्रीवियस MLA साहब थे, उनका क्या लगता है, वो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाए? उन्होंने ज़्यादा काम क्या किया, उन्होंने काम बस यही किया है कि निरसा के जनता को ठगने का काम किया है। यहाँ के सारे लोग बेरोजगार हैं, यहाँ पर माइथन और पंचित जैसे बड़े बड़े गोडे में हैं। कभी निरसा के विधानसभा के लोगों को पानी पिलाने का काम नहीं किया है। जब भी वोट आता है वो लोगों को 5 साल बाद ठगने का काम करते हैं, वोट लेते हैं और घर में सुना 1000 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है और इस बार बहुत ज़्यादा वोट से वो हारने वाले। अगर आप लोग जीत जाते हो तो क्या करोगे? जो निरसा के जनता को सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा और पानी, शिक्षा और पानी ये दो विशेष चीज़ पर मुझे ध्यान देना है और एक स्वास्थ्य के बारे में हॉस्पिटल डॉक्टर ये सब मुझे ज़्यादा ध्यान दे करके निरसा के लोग बेरोजगार ना रहे, निरसा के युवक बाहर काम करने के लिए प्लान ना करें, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूँ। अभी हम लोगों ने देखा कि हाल ही में आपके जो CM साहब यहाँ पर आए थे, कैसा लगा उनका रिस्पॉन्स, उनसे मिलकर क्या कहें इलाके के बारे में? ये मेरा नहीं कहना है, ये जनता का कहना है, ये हमारे माननीय CM साहब का कहना है कि निरसा में जो इस बार हमने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं करा था, उससे ज़्यादा भीड़ हुआ और उससे ज़्यादा लोगों ने उन्हें सराहा, संबोधन में भाग लिया, तो इस बार निरसा में भाजपा की जीत है। आप लोग मानने के आप लोग जीत रहे हो? बिल्कुल। अच्छा चलिए चलते चलते अब कल से शुरू हो रहा छठ पर्व, उसके लिए एक मैसेज दे दो। इसके लिए तो पूरे देशवासियों को ये देश का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व के लिए मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देना चाहूँगी कि सारे लोग एक साथ मिलजुल करके और इस महापर्व छठ को मनाएं। नीता गोराय, आप कौन पोस्ट पर हो? अभी मैं मुखिया भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति से। आप लोगों ने